आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर दौलतपुर से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा पिरान कलियर के दौलतपुर में भाजपा पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। बता दें कि विधानसभा कलियर से फुरकान अहमद लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के साथ ही लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाने का भी वो काम कर रहे हैं। वहीं विधायक हाजी फुरकान आलम का कहना है कि हमारी सरकार आने पर देश को बेरोजगारी व महंगाई से मुक्ति मिलेगी। गुरु जी भी रहे और प्रमोद शर्मा जी यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनके आने से मुझे दौलतपुर में नहीं पूरी विधानसभा में काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ये एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है और मेहनती है। बीजेपी ने सिर्फ इन्हें इस्तेमाल किया, कहीं इन्हें अच्छे किसी अच्छे पद पर नहीं गया, नहीं भेजा। मैं आज पंडित जी से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी यहाँ पर कांग्रेसी हैं उनको सबको साथ मिलकर जो भी मेरे लायक सेवा होगी पंडित जी, मैं कभी आपसे पीछे नहीं हटूंगा और हमारी कांग्रेस पार्टी में आपका मान सम्मान होगा, आपका हर तरह का सहयोग, हम सब कांग्रेसी आपके साथ रहेंगे और आपके आने से हमें मुझे बहुत फायदा हुआ। आज दौलतपुर गांव से मेरी चिंता हट गई क्योंकि मैंने इस गांव में बहुत काम करा है। अगली खबर बाजपुर से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या को बाजपुर विधानसभा से टिकट मिल जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के समर्थकों ने उनके आवास पर जाकर यशपाल आर्या का विरोध करने का संकल्प लिया, जिसमें चुनाव लड़ने के लिए तीसरे विकल्प के रूप में यशपाल आर्या के सामने चुनाव लड़ने का भी निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि 5 साल से कांग्रेस में रहकर सच्चे सिपाही की तरह जनता के लिए संघर्ष करते हुए 1 साल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए संघर्ष किया, उसके बाद भी प्रदेश का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के पदाधिकारियों ने षड्यंत्र के तहत हमारा टिकट काट दिया और यशपाल आर्या को टिकट दिया गया। जो कांग्रेस पार्टी ने, हरीश रावत ने, प्रीतम सिंह ने, इन्होंने धोखा किया है, एक धोखा दिया है, बहुत ज़बरदस्त धोखा, उसको सभी लोगों के मन में दुख है बहुत ज़्यादा कि किस पे विश्वास करें, जसपाल पे विश्वास करें, प्रीतम सिंह पे करें, पार्टी किस पे विश्वास करे, कांग्रेस पे, कांग्रेस वालों को कांग्रेस वाले धोखा दे रहे हैं बेचारे ने। उन्होंने सुनीता ने 5 साल से सींच के ला रही है उसको, कांग्रेस खड़ी की है यहाँ बाजपुर में उसमें, और उसको धोखा दे दिए। किसके सके हैं ये, किसी के सके नहीं है, इनको माफ नहीं किया जाएगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नहरा दे रहे हैं वहां पे और यहाँ लड़की को धोखा दे रहे हैं बच्चे पे। वहीं कलियर के रहमतपुर गांव के ग्राम प्रधान पदम सिंह और अन्य ग्रामीण ने गांव के पूर्व प्रधान हाजी शहीद हसन व उनके परिजनों पर ग्राम समाज की श्रेणी 6 सड़क की भूमि पर अवैध रूप से कब्जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर कर ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में स्थानीय राजस्व विभाग को आदेशित करते हुए कहा था कि 30 दिसंबर से उक्त भूमि की पैमाइश कर कब्जा मुक्त कराकर रिपोर्ट मांगी गई थी, किंतु राजस्व विभाग की टीम उन्हें लगातार गुमराह कर रही थी। जमीन है सरकारी, जो पानी ग्राम का आता है, पूरा गंदा पानी आता है, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए स्थानीय प्रशासन हमारी को ना तो सूचना दे जा रही, बिना नोटिस के, बिना पुलिस बल के और बिना वीडियोग्राफी के पैमाइश करे जा रही। बार बार हमारा अनुरोध किया जा रहा है, हमारे याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार जी थे, उनकी तरफ से माननीय SDM कोर्ट में भी आवेदन पत्र लगाया गया, उस पर भी अनदेखी करते हमारा प्रशासन पूर्व सूचना के नहीं आता और 5 मिनट में आगे खड़ा होकर सूचना कर देता है कि हम आगे जी आगे प्रधान जी आ जाओ नरेंद्र जी आ जाओ और ये कार्य करा लो, और जबकि इसमें माननीय हमारे SDM महोदय की न्यायालय से भी यही आदेश दिया कि वीडियोग्राफी पुलिस बल
की उपस्थिति में ये पैमाइश कराया जावा और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। हर संभव झगड़े की आशंका बनी हुई है क्योंकि ये हमारा जो शहीद हसन शेर अली और नसीम 201 के काशकार हैं, इन्होंने 203 का अवैध कब्जा कर रखा है। ये सफेदपोश है, राजनीति की शरण है, पूर्व ग्राम प्रधान है और कांग्रेस से बिलोंग करता है और इस माननीय विधायक का शरण प्राप्त है। फोन पर अवगत करा दिए पैमाइश होनी खसरा नंबर 203 के, उसकी पैमाइश करने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और मौसम खराब होने की वजह से अभी कार्य नहीं हो। अगर एक घंटे मौसम खुल जाता आज करेंगे, नहीं तो फिर उसको कल करेंगे। ये क्या पूरा मामला क्या है अभी मेरी पूरा जानकारी में नहीं है, मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ, अभी मुझे पता चला कागज देख करके और पैमाइश करके तभी आपको अवगत करा। आचार संहिता में लालकुआं कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को मोटरसाइकिल से 82 ग्राम स्मैक बरामद करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने बताया कि लालकुआं के नगीना कॉलोनी के एक युवक से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। कल कोतवाली लालकुआ और एसओजी की संयुक्त अभियान में बाबू हसन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से 82 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत 8.5 लाख रुपए है। ये व्यक्ति जो बाबू हसन है ये यहीं लालकुआ का रहने वाला है, नगीना कॉलोनी का। जो हमारा पुलिस का अभियान है ये लगातार जारी रहेगा। वहीं रुड़की में जबरेड़ा विधानसभा बसपा प्रत्याशी बनाए गए आदित्य ब्रजवाल ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा झूठे वादे करती है और बसपा विकास करती है। जबरेड़ा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक हरिदास के बेटे आदित्य ब्रजवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं प्रत्याशी समर्थक कुंवर पाल ने कहा कि इस बार सैनी समाज का वोट भी काफी संख्या में है, बसपा प्रत्याशी अजय ब्रजवालों के साथ खड़ा है। जबरेड़ा विधानसभा पहले से ही बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा रही है और इस बार भी सर समाज का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के साथ है। हमारी पूरी टीम गांव दर गांव जाकर के बहुजन समाज पार्टी की विचारधाराओं से सभी जनता को अवगत करा रही है और सभी सर समाज का समर्थन बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छे से मिल रहा है। जैसे कि आप युवा जी, निश्चित तौर पर देखिए, युवा 21वीं सदी युवाओं की सदी है और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे इस विधानसभा से प्रत्याशी बना करके भेजा है। मैं खुद एक युवा हूँ और युवाओं की पीड़ा को अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं गांव दर गांव जाकर युवाओं की समस्याओं को उठाने का काम कर रहा हूं और युवा बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में मेरे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। आप हमारे सैनी समाज की बात कर रहे हैं ना आदित्य ब्रजवाल जी के लिए? पूरे समाज का समर्थन तो नहीं मिला करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि परसेंटेज के आधार पर कम से कम 40% से ऊपर हम इस बार सैनी समाज का समर्थन भाई आदित्य ब्रजवाल जो कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हाँ बिल्कुल, 100% जो लोगों में एक रुझान है, अभी तक तो बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी भी नहीं उतार सके। 100% क्षेत्र की जनता बोल रही है कि यहाँ पर चूंकि इनके पिताजी ने पहले भी काम किया है, हमारे गांव में डबल स्टोरी बारात घर बना है, सड़कें बनाई हैं, विकास कार्य किए हैं, निश्चित रूप से लोगों में बहुत अच्छा रुझान है। सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ब्रजवाल जी के साथ में हैं। अगली खबर रुद्रपुर से है जहां पर लुधियाना में आतंकी विस्फोट के मामले में एसटीएफ टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर विस्फोट में शामिल सुखप्रीत को शरण देने का आरोप है। पुलिस ने कब्जे से एक पिस्तल के साथ ही अफोर्ड कार को भी बरामद किया है। एसएससी बरविजिंदर सिंह ने बताया है कि इन सभी की गिरफ्तारी उधम सिंह नगर के पंतनगर से की गई है। पुलिस अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग, निरीक्षक एमपी सिंह और ब्रजभूषण गुरुरानी शामिल रहे। एसटीएफ द्वारा ट्रैक किया गया तो 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं जिनके द्वारा वहां से एक भगौड़ा सुप्रीत जो है उसको शरण दी गई थी और जो है बाकी एजेंसीज अभी उसको ट्रैक कर रही हैं। ये 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है और सेक्शन 19 यूएपीए एक्ट 1967 और आर्म्स एक्ट में इनको जेल भेजा जा रहा है। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन का तीसरा हिमपात होने से जहां एक ओर पर्यटकों के आने की संभावना बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों में भी खुशी देखने को मिल रही है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटन नगरी मसूरी में काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि अधिक संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर रुख करेंगे जिससे यहाँ के व्यापार में वृद्धि होगी।
बहुत अच्छा लग रहा है, हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। हमें और कुछ नहीं चाहिए था, हमारे बेटे को भी सिर्फ स्नो ही देखनी थी, तो ये तो वंडर्स हो गया। अभी कितने दिन आप रुकने वाले हैं और बर्फबारी चल रही है? वी विल लीव बाय टुमारो। अमेजिंग सर, एज एक्सपेक्टेड आई इसी चीज़ के लिए आए थे दिल्ली से, बर्फबारी के देखने स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज़ मिली है, उसका पूरा पूरा फन ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अमेजिंग वेदर है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और बहुत मज़ा आ रहा है। वहीं हरिद्वार में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने अवैध शराब की आवाजाही रोकने के लिए स्पेशल टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसको लेकर कोतवाली रानीपुर पुलिस ने शिवालिक नगर क्षेत्र में चेकिंग की। इस दौरान वहां से दिल्ली नंबर की गाड़ी को रोके जाने के बाद गाड़ी की चेकिंग के दौरान गाड़ी से 4,40,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गाड़ी में सवार दो युवकों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, धनराशि की भी जाँच हो रही है। विधानसभा 2022 चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कैश ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है और इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद के 4 थानों रानीपुर, मंगलौर, कनखल और सिडकुल में कुल मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई है, जिसमें कि फिर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। वही मसूरी में उप जिला अधिकारी कार्यालय में स्टेटो को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिला अधिकारी नरेश दुर्गापाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देशित जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वो मसूरी के सीमांकन का काम पूरा करने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। प्राइवेट स्टेटो के सीमांकन के बैठक की जानकारी देते हुए SDM नरेश दुर्गापाल ने बताया कि मसूरी में 218 प्राइवेट स्टेट्स हैं, जहां पर स्टेटो को प्राइवेट फॉरेस्ट भी हैं, उसे नोटिफाइड किया जाना है और जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया और वन विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त बैठक भी रखी गई। मैं देख रहा हूँ ये काफी लंबी समय से प्रोसेस में चल रहा था मामला। कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें जो सर्वे ऑफ इंडिया को मैप बनाना है, उनका जो पेमेंट होना है वो MDDA 50% नगर पालिका ने देना है, और नगर पालिका ने जो पेमेंट देना है वो प्राइवेट फॉरेस्ट में जो पिलर लगाए जा रहे हैं उनका शुल्क प्राइवेट फॉरेस्ट के जो मालिक हैं उनसे वसूल करना है। तो ये इस तरह की जो चेन है इसमें वो ना वसूली नहीं कर पाई है नगर पालिका, उनसे पैसा नहीं लिया है, तो आगे सर्वे ऑफ इंडिया को पैसा पूरा नहीं गया, जिसकी वजह से उतने ही मैप बन पाए हैं जितने की पेमेंट उनको मिली थी। तो आज ये तय हुआ है कि जो 50% का पैसा MDDA को देना है वो MDDA अपना पेमेंट करेगी, और नगर पालिका को जो बचे हुए पैसे देने हैं वो नगर पालिका अपना बोर्ड फंड से दे या कहीं से दे, पहले इस काम को कराए। वसूली एक सेकेंडरी थिंग है, वो वसूली जारी रहेगी। ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर विधायक सुरेश राठौर ने आज क्षेत्र भर में धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ज्वालापुर विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क कर शहर की जनता से आशीर्वाद मांगा और धन्यवाद रैली का समापन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि हाईकमान द्वारा जो आशीर्वाद और भरोसा उन्हें दिया जा रहा है वो उस पर पुनः खरा उतरते हुए यह सीट भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।